हेलो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग अप द रिवीजन सीरीज विद चैप्टर नंबर 3, क्योंकि उसके पॉइंट्स और उसमें भी सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है. सो द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ बेसिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. डायरेक्टली शुरू करते हैं, नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज क्या क्या है. तो नीड है मेन टैगलाइन जो है, द रिस्क हैव लीड टू अ गैप बिटवीन नीड टू प्रोटेक्ट सिस्टम एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड. जरूरत कितनी है और एक्चुअली अप्लाइड कितना हुआ है, इन दोनों के बीच में गैप है. एंड दिस गैप इज कॉज्ड बाय वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, एलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस, अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, attractiveness of conducting unconventional electronic attacks and external factors. उसमें आएगा legislative, legal, regulatory requirement, technological developments. तो ये है नीड. इतना जो गैप है उसको रिकवर करने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है. नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन. नाउ सेकेंड स्टेप इज कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ऑब्जेक्टिव्स में आएगा CIACR, confidentiality, integrity and availability. थर्ड पॉइंट इज कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव होती है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज सेंसिटिव. उसका स्वप्निल पटनी का मेमोरी टेक्निक है स्ट्रेटेजिक बॉयफ्रेंड, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लान्स, बिजनेस ऑपरेशंस एंड फाइनेंसेस. स्ट्रेटेजिक प्लान मतलब कि जो विच आर क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ कंपनी, लाइक मर्जर एंड एक्विजिशन अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन है, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लान. बिजनेस ऑपरेशन जो आपकी प्रोसेस प्रोसीजर्स को दिखाता है, मतलब कि आपके बिजनेस डेटर्स कितने हैं, आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, आप कितना प्राइस चार्ज करते हो, ये सब किसी और को नहीं पता चलना चाहिए. एंड फाइनेंसेस मतलब कि आप कितना फाइनेंस कर रहे हो, आपका कहीं पर इन्वेस्टमेंट कितना है, या तो फिर आप कितनी सैलरी या वेजेस देते हो. ये सब बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स जो है उनके पास या फिर मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए. सो ये है, तीन है सेंसिटिव मैटर्स, स्ट्रेटेजिक प्लान, बिजनेस ऑपरेशन एंड फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक बॉयफ्रेंड. उसके बाद है टूल्स टू इम्प्लीमेंट, मतलब कि टूल्स कौन कौन से लगते हैं. तो उसके टूल्स आएंगे स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर. स्टैंडर्ड मतलब कि वो डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है टेक्नोलॉजीज एंड मेथोडोलॉजीज को. गाइडलाइंस मतलब कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन अ स्मूथ वे. ठीक है, यूजर्स या सिस्टम पर्सोनल को उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये दिखाता है. एंड प्रोसीजर मतलब कि ये डिटेल्ड स्टेप्स देता है टू बी फॉलोड टू अकम्प्लिश दिस स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस. फिर है इश्यूज टू एड्रेस, कौन से इश्यू एड्रेस करना है. साइलेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से है, तो उसमें आएगा, ये मैंने खुद से मेमोरी टेक्निक बनाई है, DR मतलब कि डॉक्टर्स के पास जाकर मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी है. ठीक है, डी मतलब डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसको डिफाइन करो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है. रीजंस आर फॉर रीजंस व्हाई इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स. देन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मांगो अबाउट द पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. डेफिनेशन ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है उसको डिफाइन करो एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन. उसके बाद जो क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी एज अ केस स्टडी हिडन क्वेश्चन में होता है. मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी आर 3, मैनेजमेंट मेंबर्स, टेक्निकल ग्रुप एंड लीगल एक्सपर्ट. मैनेजमेंट मेंबर्स मतलब जो बजट इशू करते हैं, पॉलिसी डिफाइन करने के लिए जिसके पास अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए, दैट इज मैनेजमेंट मेंबर्स. टेक्निकल ग्रुप हु नो व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी सपोर्टेड. टेक्निकली क्या चीज़ आपको करनी चाहिए क्या नहीं, अगर कुछ क्राइम होता है तो कैसे आपको एक्ट करना है, टेक्निकल ग्रुप बताएगा. एंड लीगल एक्सपर्ट हु नो द लीगल कंप्लायंसेज, लीगल रेमिफिकेशंस ऑफ वेरियस पॉलिसी चार्जेस. क्राइम अगर कुछ होता है या फिर कुछ गलत होता है आपके इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ, टेक्निकल पार्ट के साथ, तो वो लीगली आपको कैसे हैंडल करना है वो ये ग्रुप बताएगा. सो 3 मेंबर्स आर मैनेजमेंट मेंबर्स, टेक्निकल ग्रुप एंड लीगल एक्सपर्ट. उसके बाद जो एक मेन क्वेश्चन आता है, ये PM में भी बहुत बार पूछा गया है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड देयर हायरार्कीज. इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड देयर हायरार्कीज, उसमें अगर आप आपके स्टडी मॉड्यूल में देखोगे तो एक चार्ट दिया हुआ है, यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंडीशंस ऑफ कनेक्शन.
यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी में आता है. यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब कि सेट आउट करो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स को. यूजर लाइन जो है, मैनेजर्स जो है, सिस्टम ओनर्स हैं, उनको कैसे यूज करना है इसको डिफाइन कर लो. एक्सेप्टेबल यूसेज पॉलिसी मतलब कि ईमेल, इंटरनेट और आईटी रिसोर्सेज जो है वो कितनी हद तक आपको यूज करना है उसके एक एक्सेप्टेबल पॉलिसी बना लो. ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी मतलब कि वो ग्रुप पॉलिसी को डिफाइन करता है आईटी टेक्नोलॉजीज को एज अ ऑर्गेनाइजेशन कितना कैसे यूज करना है. नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब कि उसमें सेट आउट कर लो डिटेल्ड पॉलिसी फॉर सिस्टम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड अप्लाइज टू आईटी डिपार्टमेंट यूजर्स. एंड इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी मतलब कि सेट आउट कर लो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज नॉट ऑल डेटा हैज द सेम वैल्यू. मतलब कि आपको क्लासिफाई करना है डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू. एंड लास्ट इज कंडीशन ऑफ कनेक्शन मतलब कि अगर आपकी पार्टनर कंपनी है तो उसके साथ आपको कौन से कंडीशंस पे कनेक्शन रखने हैं वो डिफाइन कर लो. और उसमें लास्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ गुड सिक्योरिटी पॉलिसी. मतलब इसमें मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है PSI ने DO लगाकर. PSI P मतलब पर्पस एंड स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑडियंस. SI दैट इज सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. DO लगाकर DIO D मीन्स डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस. I मीन्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म. O मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. उसने DO लगाकर इन्वेंट्री एंड असेट को क्लासिफाई किया. तो इन्वेंट्री एंड असेट क्लासिफिकेशन. फिजिकल सिक्योरिटी को बुलाकर टेक्नोलॉजी लगाई और उससे फिर एक्सेस कंट्रोल किया. आईटी ऑपरेशन मैनेजमेंट किया एंड आईटी कम्युनिकेशन किया. वो फिर BCP के पास गया क्योंकि उसको लीगल कंप्लायंस करना था. और उसके पास जाकर समझा कि मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. और फिर इस तरह से उसने सिस्टम को डेवलप एंड मेंटेन किया. तो ये खत्म होता है बेसिक्स ऑफ POIS. नेक्स्ट क्लिप में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ IS कंट्रोल. इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है ऑब्जेक्टिव्स, नेचर्स एंड ऑडिट फंक्शन के हिसाब से, वो मैं पार्ट 2 में डालूंगी. ये बेसिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये एक पूरा माइंड मैप चार्ट है जो मैंने आपके सामने रखा है. उसको आप माइंड में रखें और ऐसे ही रिपीटेडली इसको रिवाइज करते रहे. थैंक यू. सी यू सून.